मुझे लगा कि कोई बदमाश आ गया है तुम्हारे पैसे छीनने। दीदी जिनके पास धन होता है ना उन्हें ये डर हमेशा लगा रहता है। कितने हैं? करीब 10,000। बस 10,000? दीदी मुझे तो 2 लाख रुपए की जरूरत थी। 2 लाख? हाँ दीदी, वो भी एकदम अर्जेंट। मोहित, बस करीब इतने ही बचे हैं मेरे अकाउंट में, और मैं सोच रही थी कि बाद में मुझे जरूरत पड़ी तो। दीदी मैं जानता हूँ कि पैसे बहुत ज्यादा है, और पहले भी कई बार आपसे पैसे ले चुका हूँ, आपसे बार बार पैसे मांगते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन दीदी दीदी मैं क्या करूँ? आपके अलावा मेरा कोई है भी तो नहीं जिसके आगे मैं हाथ फैला सकूँ। 2 लाख का इंतजाम तो जल्द से जल्द करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? दीदी वो एक आदमी से मैंने 2 लाख रुपए लिए थे उधार बिजनेस के काम से, अब वो धमकी दे रहा है कि मैंने तुरंत पैसे नहीं चुकाए तो वो मुझे गुंडों से पिटवाएगा, कह रहा है कि मुझे जेल भेज देगा। ऐसे कैसे गुंडों से पिटवाएगा और जेल भिजवा देगा? दीदी आप उन्हें नहीं जानती, उसकी पहुंच बहुत बड़ी है, वो कुछ भी कर सकता है। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं भी तुझे चेक बना के देती हूँ। थैंक यू दीदी, आज ही जाके पैसे वापस कर देना। जी दीदी। दीदी आपके पास तो काफी गहने हैं। सब उन्होंने ही बनवाए थे। दीदी इन गहनों को घर में नहीं रखना चाहिए, क्या ना कि चोरी चकारी का डर लगा रहता है। एक काम करते हैं, इन गहनों को हम बैंक के लॉकर में रख देते हैं, वहां पे सुरक्षित रहेंगे। तो बात तो ठीक कह रहा है, ये सब बाद में कर ले, ठीक है? तो अभी जाके पैसे वापस करके आ। क्या जी वो आपको दीदी से ऐसे पैसे नहीं मांगने चाहिए थे ना? अच्छा, मुझे दीदी से पैसे नहीं लेने चाहिए थे। क्यों नहीं लेने चाहिए थे? जी वो मैं कह रही थी कि जीजा जी की डेथ के बाद उनकी जमा पूंजी ही तो दीदी का सहारा है ना, मैं बस ये कह रही। अच्छा तो मैं नहीं हूं उनका सहारा। नहीं, जीजा जी की डेथ के बाद मैंने दीदी को नहीं दिया सर। मैं बस कह रही थी कि दीदी को नहीं, कुछ नहीं। नहीं बोलो बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, वापस बोलो। कुछ नहीं। नहीं बोलो, बस अब बोलो। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो बहुत सिंपल है, राइमिंग वर्ड ही तो लिखने हैं। देखो, शाइन वाइन, उसके बाद माइन फाइन। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? दीदी हाँ सुमन आओ ना। दीदी वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बेटा आप खुद ट्राई करो, मैं अभी आती हूँ। गुड बॉय।
क्या हुआ सुमन? दीदी पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि मैं आपसे जो कुछ भी कहूंगी आप अपने भाई से प्लीज मत शेयर कीजिएगा। नहीं बताऊंगी। लेकिन तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? दीदी आपने इनको 2 लाख का चेक दिया है ना? हाँ दिया है तो क्या हुआ? तो आप प्लीज इन्हें इतने पैसे मत दिया कीजिए। पर सुमन वो मेरा छोटा भाई है। वो ठीक है दीदी पर फिर भी कुछ पैसा आपके पास भी तो रहना चाहिए ना। सोनू की पढ़ाई है, उसका फ्यूचर है, ऐसे में आपकी जमा पूंजी तो आपके काम आएगी। सुमन मोहित के अलावा इस दुनिया में मेरा और कौन सहारा है? सोनू के पिता के चले जाने के बाद मेरे सास ससुर देवर ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे घर से निकाल दिया, यहां तक कि मेरी पति की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मेरे भाई ने मुझे सहारा दिया, मुझे अपने घर लेकर आया। वो सब ठीक है दीदी पर आपको क्या? ये सब बेकार की बातों को अपने मन में मत आने दो। ये सोचो अगर मोहित ने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो क्या होता? एक विधवा अकेली औरत के साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं तुम जानती हो ना? हाँ दीदी मैं समझती हूँ पर तू कोई भी चिंता मत कर। मेरा भाई है ना मेरी चिंता करने के लिए, वो मेरे साथ कभी धोखा नहीं करेगा। ये कोई नई बात नहीं है और खासकर अपने समाज में तो हम हमेशा से देखते आए हैं सुनते आए हैं कि एक महिला को हमेशा एक पुरुष के सहारे की जरूरत होती है, फिर वो चाहे उसका पिता हो, भाई हो, पति हो या फिर कोई दोस्त हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि औरतें पुरुषों के सहारे के बिना रह ही नहीं सकती हैं? या फिर हालात ऐसे बना दिए गए हैं और सिर्फ पास पड़ोस और समाज के लोग ही नहीं घर परिवार के लोग भी हमेशा औरतों को यही एहसास दिलाते हैं कि वो अकेली नहीं रह सकती हैं। और धीरे धीरे औरतों को भी ये सच लगने लगता है और इसकी हद ये होती है कि कई मामलों में पुरुष औरतों की इस सोच को उनकी कमजोरी बनाकर उनका फायदा उठाते हैं, उनका भावनात्मक शोषण करते हैं। बहरहाल किसी का सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ उस सहारे के लिए अपना सब कुछ किसी को सौंप देना, अपना पूरा अस्तित्व उस सहारे पर टिका देना, ये कहां तक सही है? हाय, मैं राकेश आपका पड़ोसी, महीना भर पहले शिफ्ट हूं। क्या मम्मी आप भी कुछ भी कहती रहती हैं। अच्छा मुझे बताओ भैया भाभी कैसे हैं? हाँ और पापा? अच्छा मेरी बात कराओ पापा से। हेलो नमस्ते पापा, कैसे हैं आप? अब आपका घुटनों का दर्द कैसा है? हाँ चलो बढ़िया है। हाँ किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं जी, बस ऐसे ही। मैंने मना किया था अपने मायके में किसी से बात मत करना, कहा था ना। फिर मैं वो तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे परिवार वालों ने कितनी बुरी तरह से मेरा अपमान किया था? यह बात तुम्हारे दिमाग में घुसी नहीं? माफ कर दीजिए मुझे, गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई बार बार, गलती अगर एक बार की जाए दो बार की जाए तो उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन वही गलती अगर बार बार की जाए ना तो आदत बन जाती है और आदत को सुधारना बहुत जरूरी है। ये मियां बीवी के बीच का मैटर है। लेकिन बात क्या हुई बताओ तो सही। मैंने कहा है मियां बीवी के बीच का मैटर है, आप जाइए यहां से।
लेकिन बात मैंने कहा चाहिए जज। पहली गलती है इसके लिए माफ कर रहा हूं। एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। ये घर मेरा है और मैं इस घर का मालिक हूं। यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। इज दैट क्लियर? जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से, जाओ यहां से। मुझे माफ कर दो, दोबारा नहीं करूंगी कभी। माफ कर दो, खड़ी हो जाओ। कान पकड़ो। कान अब उठक बैठक करो। अब बोलो कि मैं अपने मायके वालों से कभी बात नहीं करूंगी। मैं अपने मायके वालों से कभी बात नहीं करूंगी। वेरी गुड, चलो अब डांस करो। डांस? मैंने कहा डांस करो। क्या पत्नी के साथ इस तरह का शर्मनाक व्यवहार करना एक पति को शोभा देता है? सबसे पहले तो मैं तमाम पतियों से पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, जो विवाह करके आपके घर आई है क्या वो आपकी गुलाम है? सामाजिक रीति रिवाज के कारण पत्नी का भविष्य आपके साथ जोड़ दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई इच्छा अनिच्छा नहीं है। ये मत भूलिए कि पत्नी होने के नाते उसके भी उतने ही अधिकार हैं जितने कि आपके। हालांकि मैं ये समझता हूं कि जो पति इस तरह का व्यवहार करते हैं उसकी जड़ में क्या है, दरअसल उनके अंदर पुरुष होने का अहंकार भर दिया गया है। यार दोस्तों रिश्तेदारों से लेकर मां तक ने हमेशा यही सिखाया है कि पत्नी को अपने कंट्रोल में रखो, लेकिन यह सोच सरासर गलत है, बल्कि यह सोच एक मानसिक बीमारी है। और इस तरह की प्रताड़ना झेल रही तमाम पत्नियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि आप शादी करके दूसरे घर में आई हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कोई भी अत्याचार सहने के लिए मजबूर हैं। यह सोच गलत है और आपकी यही सोच आपको कमजोर बनाती है और हंसते खेलते परिवारों को बर्बाद कर देती है। लीजिए लीजिए। हाँ एक मिनट। चलो दीदी चलते। तानी सोनू को पसंद आएगा कि नहीं? क्यों नहीं पसंद आएगा दीदी, टेडी बेयर कितना क्यूट था, है ना? तू तो जानती है बच्चे लोगों का तो। से आ रहे नंद भाभी की जोड़ी? वो कुछ सामान खरीदना था, इसे मार्केट कहते हैं। ओ, सोने की चेन पहनकर? सोने की चेन पहनकर मार्केट नहीं जाना चाहिए। आपको पता है ना आजकल माहौल कितना खराब है। ये जो चेन स्नैचर होते हैं ना, ये तुम जैसी भोली भाली औरतों पर घात लगाए बैठे रहते हैं। बाइक से पास से गुजरते हैं और औरतों के गले में पड़ी हुई चेन को ऐसे ऐसे। दीदी 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 तुम ठीक हो ना? दीदी तुम्हें तो खून निकल रहा है, तुम खड़ी खड़ी मुखा दिख रही हो, डॉक्टर को फोन करो। दीदी दीदी देखो ये सब कुछ घर में हुआ, इसके लिए तुम बच गई। सोचो अगर ये सब कुछ
बाहर सड़क पे होता तो दीदी आपकी जान भी जा सकती थी। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना ये सारे गहने मुझे दे दो, कहा था ना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। दीदी लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई, ये गहने मुझे दे दो। आई आई उठी 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 आई आई चलो चलो इधर अलमारी में। दीदी बताओ बताओ कहाँ रखे? खोलो 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 खोलो। अरे दीदी ये कंगन क्या कर रहे हैं आपके हाथ में? निकल ये सिर्फ निकल बताओ सेफ्टी सेफ्टी रख। अरे तुम यही खड़ी हो, डॉक्टर को बुलाया नहीं? अरे दीदी को दर्द हो रहा है। दीदी बस हो जाओ। ट्यूशन टीचर ने पूरा होमवर्क करवा दिया ना? कुछ छूटा तो नहीं? नहीं। पक्का? अरे सोनू बेटा आ गए ट्यूशन से? आजा आजा मामा के पास। अरे डरो मत, आओ 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 डरो मत। ट्यूशन में पढ़ाई की अच्छे से? मम्मी आप शराब पी रहे हो? हाँ बेटा ये शराब है। जो शराब पीते वो बैडमैन होता है। अच्छा जो शराब पीते वो क्या होते हैं? बैडमैन होते हैं। बैडमैन होते हैं? नहीं बेटा। मोहित मोहित जाने दो ना, बच्चा है। दूर हटो। इसे क्या पता क्या कहना? मैंने कहा दूर हटो। बेटा मैं बैडमैन हूँ। बच्चा हो या बड़ा यहाँ सबको घर के मालिक के अनुसार चलना ही होगा। हेलो भाई साहब, भाई साहब क्या है? वैसे भी क्या हंगामा मचा रखा है आपने? जब देखो आपके घर से रोने की चीखने की चिल्लाने की आवाज आती रहती है। ये मेरा घर है, मैं यहाँ कुछ भी करूँ तुम्हें क्या? तो आप अपनी आवाज अपने घर तक रखिए ना, आपकी आवाज मेरे घर पे आती है, मैं नेबर हूँ, डिस्टर्ब होता है मुझे। अरे डिस्टर्ब होता है तो कान में रुई डालो या अपना घर चेंज कर दो। अच्छा तो कोई बहुत बड़ा गुंडा है जो तेरे चक्कर में मैं अपना घर बदल दूं? ए देखो उससे उलझो मत, तो अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगा तू? कर क्या लेगा? इनके तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ पर प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। भाई साहब प्लीज शांत हो जाइए। इन औरतों की तरह मुझे कमजोर मत समझना, इतनी मार मारूंगा ना तेरी आवाज बंद हो जाएगी। मैं भी औरतें सामने ना इसके लिए तुम पे हाथ नहीं उठा रहा, ये तो मेरी मार पड़ती है ना तो अच्छो अच्छो को नानी याद आ जाती है। उठाना प्लीज शांत हो जाइए, ये हमारे घर का मामला है, हम इसे खुद सुलझा लेंगे। प्लीज जाइए प्लीज। तेरा बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है। सुमन मेरा टिफिन भरा कि नहीं? रोज तुम्हारे टिफिन की वजह से लेट होता हूं मैं। अरे कहां मर गई टिफिन? आइंदा से देर नहीं होनी चाहिए। मोहित मोहित रुको, सुनो ना। दीदी 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 क्या है ये? आपको पता है ना सुबह सुबह कोई घर से काम के लिए निकले तो उसे पीछे से आवाज देकर रुकना नहीं चाहिए, अब शगुन होता है। सॉरी सॉरी पर सोनू को बहुत तेज बुखार है, उसे प्लीज किसी डॉक्टर को दिखा दो प्लीज। इसमें मैं क्या करूं? तुम ही शहर में नहीं हो क्या? आपने देखा है ना शहर, दिखा दो किसी भी डॉक्टर को। पर मेरे पास पैसे कहाँ है? ओह तो ये बात है, इतनी महंगाई में घर कैसे संभाल रहा हूँ मैं खुद जानता हूँ, ऊपर से तुम लोग के खर्चे कम नहीं होते।
किलो। 50 रुपए? डॉक्टर की फीस ही कम से कम 200-250 रुपए होगी, इससे क्या होगा? दीदी मामूली सा बुखार है, कैंसर नहीं हुआ है कि मर जाएगा अभी का भी। दिखा दो किसी भी सरकारी अस्पताल में। सुबह सुबह ले लीजिए। सरकारी अस्पताल में आपको बहुत समय लग जाएगा, आप बच्चे को किसी अच्छे डॉक्टर दिखाइए। नहीं सॉरी, मैं नहीं ले सकती। अच्छा आप उधार समझ के ले लीजिए, आपके पास जब होंगे आप दे दीजिएगा ना मुझे। लीजिए ना प्लीज लीजिए, आई रिक्वेस्ट। थैंक यू। पर बेटा आप दवाई नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे? फिर आप स्कूल ही नहीं जा पाओगे, खेल भी नहीं पाओगे। डॉक्टर दिखा लाया? जी। क्या बोलता है? कुछ दवाइयाँ दी है और कह रहे थे कि शायद वायरल हो सकता है, 2-3 दिन के बाद वापस बुलाया है। आइए मैं कुछ छोड़ देता। नहीं नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। अरे मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं 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 आप तकलीफ मत लीजिए, मैं चली जाऊंगी। तकलीफ कुछ नहीं, आइए। अरे नहीं नहीं रहने दीजिए। आ बेटा जा, आ जा प्लीज प्लीज। दीदी मैं आपसे कहती थी कि सारे पैसे अपने भाई को मत दीजिए, कुछ पैसे अपने पास भी रखिए। आज अगर आपके पैसे आपके पास रहते तो आपको ये दिन ना देखना पड़ता और किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। अगर मुझे ये पता होता कि मेरा अपना छोटा भाई मुझे दाने दाने को मोहताज करा देगा तो मैं यहाँ आती क्यों? मेरी मति मारी गई थी जो मैंने अपना सारा कुछ उसे सौंप दिया, उस पर विश्वास किया। तुम्हारे कहने के बावजूद मेरी आंखें नहीं खुली। अब तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दीदी एक बात कहूं आपसे, आप इनसे अपने पैसे वापस क्यों नहीं मांग लेती? क्या अब तो मुझे उसके सामने जाने में भी डर लगता है। पैसे मांगूंगी तो पता नहीं वो मेरा क्या हाल करेगा। चुप रहने का भी तो यही नतीजा निकलेगा ना, हम चुप क्यों रहे? एक काम कीजिए, उनसे जाके आप अपने पैसे मांगिए, फिर जो होगा देखा जाएगा, और मैं भी आपके साथ हूँ। सुमन एक कप चाय लाओ मेरे लिए। मुझे 10,000 रुपए चाहिए। क्या कहा? मुझे 10,000 रुपए चाहिए। क्यों चाहिए 10,000 रुपए तुम्हें? मुझे सोनू की स्कूल की फीस भरनी है, उसके लिए साइकिल खरीदनी है और कुछ कपड़े भी। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना। मैं अपने पैसों में से ये पैसे मांग रही हूँ।
क्या कहा तुमने? अपने पैसे। मैं जब इस घर में आई थी मेरे पास 12 लाख रुपए थे, उसके अलावा 6-7 लाख की ज्वेलरी भी थी, जो मैं सब कुछ तुम्हें दे चुकी हूँ, और जो मैं पैसे मांग रही हूँ उसका हिसाब करके मेरे पैसों में से काट लेना। ओ अच्छा 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 अच्छा, तो अपने पैसों का हिसाब लगाए बैठी हो, लेकिन मेरे पैसों का क्या जो मैंने तुम लोगों पे खर्च किए? तुम्हें और तुम्हारे पिल्ले को इस घर में सहारा दिया है। तुम लोग का रहना, खाना, पीना, ये बिजली, तुम्हारे बच्चे की स्कूल की फीस, सारा तो मैं ही उठा रहा हूं। मैंने कभी हिसाब जोड़ा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अपना समझता हूं। तुम्हें एक अकेली कमजोर बेसहारा विधवा समझकर उंगली पकड़ाई और तुम मेरी गर्दन पकड़ रही हो। वाह, किसी ने सही कहा है कि भलाई का जमाना ही नहीं है। लेकिन नहीं, अब नहीं चले, चलो आउट। क्यों जाऊं मैं यहां से? ये घर मेरा भी है, ये घर पिताजी ने बनवाया था, इसमें मेरा भी हिस्सा है। तो पंछी के भी पर निकल रहा है, मुझे सब समझ आ रहा है कि कौन तुम्हें शह दे रहा है। वो तुम्हारा बाइक वाला दोस्त ना, उसी की जबान बोल रही हो ना तुम। लेकिन मुझे उड़ती चिड़िया के पंख काटना आता है। तुम जैसी कमजोर बेसहारा औरतों को कैसे कंट्रोल करना है अच्छे से जानता हूं मैं। सुमन, सुमन, सुमन क्या हो गया तुम्हें? सुमन आके करो सुमन। सर, कमरे में से एक कार्ड मिला है, किसी राकेश का है। राकेश का? राकेश? ये तो मेरा कार्ड है, ये यहाँ कैसे आया? कमीने, दूल्हे मेरी सुमन कुमार है, बोल, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर साहब, किसी ने मारा मेरी सुमन को। मिस्टर राकेश, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा हमारे साथ। नहीं सर, कोई गलतफहमी हुई है, मेरा पर्स ही कल आपको चोरी हो गया था और ये आई कार्ड उसके अंदर था। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, बाकी बातें बाद में होगी। हवलदार, यस सर। ले जाओ इसे। सर मेरी बात तो सुनो, ये मेरा कार्ड पे कैसे वहां गया मुझे नहीं पता। सर सर मेरा पर्स चोरी हो गया था सर, मैं आपको सर अब मेरी बात सुनिए तो सही। आई एम इनोसेंट सर, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनिए सर। जब घर के मर्द को छोड़कर गैर मर्द पर भरोसा करने लगती है ना, वो घर बर्बाद हो जाता है।
कमीने की नजर पहले से थी सुमन पर। तुमने उसे शह दी, तुम्हारे कारण वो मेरे घर में घुसा, मेरे अच्छे खासे घर को उसने उसे बर्बाद कर दिया। मेरी सुमन चली गई, अब मैं तुम्हें भी मेरे घर में नहीं रहने दूंगा। क्या कर रहे हो? अभी का भी मेरे घर से बाहर निकलो। निकलो बाहर से। मैंने क्या लिखा? मुझे कुछ नहीं सुना तुम्हारा। रह लूंगा मैं अकेले। दफा हो जाओ यहाँ से। मम्मी, अभी हम लोग कहाँ जाया गया है? राकेश का पर्स? तो गिर सकते हो, और अगर रास्ते में कुछ आ जाए तो वेरी गुड। चलो पेडल मारो आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। तुम मेरे भांजे के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पुलिस ले गई थी। मुझे शक के बिना पे गिरफ्तार किया था, बेल मिल चुकी है मुझे। दीदी, 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 मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत बुरा सुनो कहती थी, दीदी। मैं बहुत बुरा इंसान होती थी, बहुत बुरा इंसान होती थी। दीदी सुमन चली गई और गुस्से में मैंने आपको भी घर से निकाल दिया। दीदी, दीदी मैं बहुत अकेला पड़ गया, मुझे आपका साथ चाहिए। दीदी, दीदी नहीं, ये करिए। दीदी आप बहुत भूलिए, आप इसकी चाल समझ नहीं पा रही है, लेकिन मैं समझ गया हूँ। दीदी ये आपके कंधे का सहारा लेकर मुझसे बदला लेना चाहता है। इसने सुमन को मार दिया, अभी मुझे भी मार देगा, ये आपको भी नहीं छोड़ेगा। नहीं, यहाँ नहीं रहने दूंगा। दीदी चलिए मेरे साथ। ये कहीं नहीं जाएगी, और तुम यहां से दबा जाओ। नहीं, मैं अपनी दीदी को यहाँ तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा, इसे ले जाऊंगा अपने साथ। चलिए दीदी। राकेश जी प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मैं अपने भाई के साथ जाना चाहती हूँ। सेठू का पागल मत बनो, इसे अपने बीवी सुमन तक को मार दिया, तुमको कहां से छोड़ेगा, तुमको भी मार डालेगा। चाल चल रही है, मत जाओ उसके साथ। राकेश जी आप क्या बात कर रहे हैं, ये मेरा छोटा भाई है, ये भला मेरे साथ कैसे बुरा कर सकता है? मैं मेरे भाई के साथ वापस जाना चाहती हूँ। प्लीज राकेश जी प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, छोड़िए मेरा हाथ। लड़ू का मतलब तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। तुम देखना मैं क्या करता हूँ। आओ बेटा। तुम देखना मैं क्या करूंगा, तुम देखना मैं क्या करूंगा, देखना, तैयार रहना उसके लिए। तू मुझे सिखाएगी एक बात अपने दिमाग में डाल, जिस घर की औरतों पर मर्दों का कंट्रोल नहीं होता ना, वो घर बर्बाद हो जाता है। और तूने और सुमन ने मेरे कंट्रोल से बाहर निकलने की कोशिश की, मैं जानता हूँ तुम दोनों में हिम्मत कहाँ से आई है, उस राकेश की वजह से। इसीलिए मैंने सुमन को मार दिया।
और राकेश को फंसा दिया। उस रात मैं राकेश के घर गया, वहां से उसके रूम में से मैंने पर्स चुराया, फिर मैं मास्क पहनकर अपने घर वापस आया। मैंने उसका गला दबाकर उसे मार दिया। फिर राकेश के पर्स से आई कार्ड निकालकर बेड के नीचे डाल दिया। फिर बाहर आकर मास्क, पर्स, हैंड ग्लव्स मिट्टी में दफना दिए। तुम इंसान नहीं, शैतान हो। सही बचा, लेकिन तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी, क्योंकि अब तुम्हें मरना होगा। अब मैं तुम्हें मारूंगा और सारा इल्जाम उस राकेश पे आएगा, क्योंकि उसने सोसाइटी के लोगों के सामने तुम्हें बुरे अंजाम की धमकी दी थी। रुको, क्या कर रहा है? अपनी बीवी की तरह अपनी बहन को भी मारेगा? काश ये थप्पड़ तुम्हें बहुत पहले मारा होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, जिस दिन मुझे घर के बाहर से नकाब और पर्स मिला था। तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए मैंने राकेश और पुलिस के साथ मिलकर ये पूरा ड्रामा खेला। अंदर हम अक्सर दुर्घटना घट जाने के बाद अपनी गलतियों और असावधानियों पर विचार करते हैं, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपको ये लगता है कि घर की महिलाओं को कंट्रोल करके आप घर परिवार को अपनी मर्जी से चला लेंगे, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। एक परिवार खुशहाल रहे इसके लिए उसे चलाने में सभी सदस्यों की मर्जी शामिल होना बेहद जरूरी है। बगैर आपसी प्यार, संवेदनशीलता और सहनशीलता के कोई भी परिवार सुखी नहीं रह सकता, और ये बात तमाम पुरुषों को अपने मन में बैठा लेनी चाहिए। ये घटना उन तमाम औरतों के लिए भी एक सबक है जो पुरुषों को अपने सारे अधिकार सौंप देती है। अगर कोई पुरुष आपके प्यार, आपके विश्वास और आपके समर्पण को आपकी कमजोरी समझता है और उसकी आड़ में आप पर अत्याचार करता है, आपको दुत्कारता है, अपमान करता है, तो फौरन सतर्क हो जाए। और सिर्फ सतर्क ही ना हो बल्कि उसका खुलकर विरोध करे, क्योंकि जो पुरुष आपके अस्तित्व, आपके वजूद को ही स्वीकार नहीं कर सकता, उसकी छत्रछाया में आप सुखी कैसे रहेंगे। और बेहद जरूरी है कि शुरुआत में ही विरोध किया जाए, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो यही चुप्पी आगे चलकर न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके अपनों के लिए भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो रहे सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।